हेलो भाई, आज हम हमारा जो नया सब्जेक्ट है SYBMS के अंदर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने हमारे लास्ट ईयर FY के अंदर अकाउंट पढ़ा था कि क्या बेसिक अकाउंट्स है। सही है, हमने पढ़ा था वहाँ पे फाइनल अकाउंट, उसके अंदर हमें देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है, और बैलेंस शीट। सो उसी तरह हमें क्या करना है, इस बार हमें बैलेंस शीट जो है उस टाइम हमने हॉरिजेंटल फॉर्म में उसकी स्टडी की थी, तो इस बार हमें क्या करना है, वर्टिकल फॉर्म में क्या करना है, उसकी स्टडी करना है। सही है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों रेडी करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत ही इजी हो, हम जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट से उसको आइडेंटिफाई कर सकें। सही है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उसको क्या कर सके, हम रिकॉर्ड रख सके, ओके, क्लासीफाई कर सके, समराइज कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, टू द एंटायर रिकॉर्डिंग डाटा समराइज फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो देखिए, अभी हम जो इस बार देखने वाले हैं बैलेंस शीट, हमने हॉरिजेंटल बैलेंस शीट को स्टडी की थी। सही है, वही बैलेंस शीट क्या होगा, वर्टिकल फॉर्म में हमें क्या करना है, उसकी अभी स्टडी करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको आज सुबह ग्रुप के ऊपर वर्टिकल फॉर्मेट भेजा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने पूरा इसके अंदर मैंने जो अभी कौन से आइटम्स आते हैं वो मैंने इसके अंदर आपको दिखाने वाला हूँ, और बैलेंस शीट के अंदर मैंने इन डिटेल आपको जो सुबह PDF भेजा है उसके अंदर आपको पूरे आइटम्स देखने मिलेंगे। सो वो आप वो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो देखिए, वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट क्या हमें करना है, इसके अंदर नेम ऑफ द कंपनी, सही, जैसे कि हम हॉरिजॉन्टल के ऊपर भी लेते थे उसी तरह हमें क्या करना है, इसके अंदर भी करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज बैलेंस शीट एज एट, जो मतलब उसका जो ईयर है कब तक रहेगा, सही है, कौन सी ईयर की बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सही है, वो हम उसके अंदर हमें देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म के अंदर मैंने 4 कॉलम प्रिपेयर किए हैं। फर्स्ट अपॉन पर्टिकुलर, जिसके अंदर हम कौन से आइटम्स होते हैं वो लिखने वाले हैं, उसके बाद 3 कॉलम से, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, मतलब इनर कॉलम और दो दो यहाँ पे मैंने आउटर, जो टोटल करके हमें उसके अंदर उसको कैलकुलेशन करना है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, देखिए सोर्सेस ऑफ फंड। ओके, सो सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर कौन से फंड आते हैं हम उसकी स्टडी करेंगे। उसके अंदर फर्स्ट आता है ओनर्स फंड और शेयर होल्डर फंड, सही है। सो सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर कौन सा आया, फर्स्ट ओनर्स फंड, सही है, जो ओन फंड कौन से रहेंगे उसके हम क्या करेंगे, उसके अंदर स्टडी करेंगे। तो उसके अंदर क्या बताया गया है कि सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर शेयर कैपिटल, ओके, सो शेयर मतलब क्या, रिलेटेड टू जो भी शेयर रहेगा वो हम क्या करेंगे, पहले उसके अंडर लेंगे। सो ओनर्स फंड एंड शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आया फर्स्ट शेयर कैपिटल। सो कौन से इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब कौन से शेयर हम इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड शेयर कैपिटल, ये डायरेक्टली क्या रहेगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट रहेगा ऑफ ओनर्स फंड के लिए। ओके, सो उसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, जैसे अब यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है, और जो उसकी टोटल आएगी वो क्या रहेगी, सेकेंड कॉलम के अंदर। उसके बाद एड रिजर्व एंड सरप्लस, क्या किया मैंने उसके अंदर, एड रिजर्व एंड सरप्लस। सो उसके बाद क्या दिखाया, देखिए कैपिटल रिजर्व, सही है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व एंड सिकिंग फंड्स, ये आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, शेयर कैपिटल लिया, उसके अंदर मैंने क्या ऐड किया, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर कौन से आइटम आते हैं, एज इट हमें क्या करना है, उसको अंदर उसको ऐड करने हैं। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सिकिंग फंड्स के बाद दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस। वो आपको प्रॉब्लम में दिखाया रहेगा कि क्रेडिट बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस कौन सा रहेगा। उसके बाद लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, सो हमें रिजर्व में से क्या करना है, सबसे पहले अभी यहाँ पे इसकी टोटल करके हमें नीचे लेना है, और डायरेक्टली उसको सेकेंड कॉलम में आउटर में नहीं डालना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसमें से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो है ये हमको क्या करेंगे, लेस करेंगे। सो उसके अंदर आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ओके, और कौन से आते हैं, देखिए इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सही है, और उसके बाद में दिया हुआ है लेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। सो हम इसकी क्या करेंगे, इसमें से जो भी आइटम आएगा वो हम रिजर्व सरप्लस में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, और यहाँ पे उसका सेकेंड कॉलम में उसको डालेंगे, उसको टोटल करके, ठीक है। सो उसके बाद दिया हुआ है लेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस के बाद नेटवर्थ। अभी नेटवर्थ कौन सा कैलकुलेट करेंगे हम लोग, हम लोग का शेयर कैपिटल का जो टोटल आया है वो, और रिजर्व का टोटल इज इक्वल टू अवर नेटवर्थ। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है हम लोग को, नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे,
नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। सो सेकेंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मतलब क्या, हमारे लोन फंड कौन से हैं। सो उसके अंदर आएगा हम लोग का डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, ओके, उसके बाद ग्रेच्युटी फंड, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट। सो ये क्या रहेगा हम लोग का, ये हम लोग का लोन फंड रहेगा। सो ओनर्स फंड के अंदर कौन से फंड आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल, सही है, उसके बाद एड रिजर्व एंड सरप्लस और एड लोन फंड, ये तीन हम क्या करेंगे उसके अंदर ऐड करेंगे। सो इन तीनों की जो टोटल होगी हो, हम क्या करेंगे यहाँ पे दिए हुए तीनों की जो टोटल रहेगी 1, 2 और यहाँ पे 3, सही है। सो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू हमारा टोटल क्या रहेगा, टोटल फंड एम्प्लॉयड और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। सो टोटल फंड एम्प्लॉयड यहाँ पे हम लोग टोटल रहेगा। सो जितनी टोटल यहाँ पे आई रहेगी उसकी टोटल हमें नीचे करना है, मतलब क्या होगा हमारा अगर अमाउंट सेम आती है तो प्रॉब्लम क्या होगा, टैली होगा। सो लेट्स सी, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड। अभी ये होने के बाद क्या आने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सो इसके अंदर आएगा फिक्स एसेट, ओके। सो कौन से फिक्स एसेट दिए हुए हम लोग को, सबको पता है कौन से फिक्स एसेट है, गुडविल, लैंड, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लाइव स्टॉक, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, व्हीकल, सही है, फर्नीचर, बहुत सारी क्या है हम लोग के फिक्स एसेट दिए हुए हैं, ओके। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो उसके अंदर क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, जो फिक्स एसेट का हम जो आएगी उसको हम टोटल करेंगे और सेकेंड ऑर्डर कॉलम में उसकी अमाउंट लेंगे। वो सेकेंड पर अलग से आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या रहेगा, तुम्हारे जितने इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। देखिए जब मैं आपको ये प्रॉब्लम लूंगा ना, एक दो प्रॉब्लम जो आपके होंगे ना, तो आपको ये फॉर्मेट जो है इजीली एकदम अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी फॉर्मेट है और बहुत ही इजी प्रॉब्लम से बैलेंस शीट के, और आप एकदम इजी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को, इन्वेस्टमेंट के टोटल होने के बाद वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में से क्या होता है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी क्या होती है, लेस होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है करंट एसेट, ए पार्ट दिया हुआ है करंट एसेट के लिए। सो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, सबको पता है कौन से करंट एसेट है, कैश एट बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनकम टैक्स रिफंड ड्यू, सही है, ये हम लोग के क्या दिया हुआ है, और प्रपोज डिविडेंड, सही है, ये टोटल हम लोग के क्या है, करंट एसेट है। उसके अंदर आता है स्टॉक इन ट्रेड, जो क्लोजिंग बैलेंस हम लेते हैं सेकेंड जब एंट्री करते हैं, जैसे हमें फाइनेंस अकाउंट के अंदर किया सेकेंड एंट्री, तो उसी तरह जो सेकेंड एंट्री रहेगी उसका क्लोजिंग बैलेंस है, रॉ मटेरियल, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, ओके। सो ये क्या हो गया हम लोग का करंट एसेट। सो लेस करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर जो करंट लायबिलिटीज होंगी जैसे कि बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रपोज डिविडेंड, सही है। सो ये क्या होगा डायरेक्ट इसके अंदर से, इनकम रिसीविंग एडवांस, ये डायरेक्ट इसके अंदर से क्या होगा, लेस होगा, अंडरस्टैंड। सो हम क्या करेंगे इसके अंदर से हम लोग उसको लेस करेंगे, मतलब A-B। सो जो आंसर आएगा वो आउटर मिलेंगे। सो फिर से हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लोन फंड, तीनों की टोटल किया था, तो उसी तरह हम यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है हम लोग को उसके हम क्या करेंगे, टोटल करने वाले हैं, मतलब एप्लीकेशन फंड के अंदर फिक्स एसेट के टोटल प्लस इन्वेस्टमेंट के टोटल और जो हमने अभी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी किया है इन इसकी टोटल, मतलब 1 + 2 + 3 अगर ये टोटल ऊपर से मैच होती है टोटल फंड एम्प्लॉयड से, तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, टैली होगा। तो यह फॉर्मेट आपको जब 2-3 प्रॉब्लम इसके हो गए तो आप बहुत ही इजीली समझ पाओगे कि क्या है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला प्रॉब्लम जो क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसके अंदर, लेट्स सी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम मेरी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट RM Limited on 31st March 2014. Basic problem दिया हुआ है first, देखिए liability asset. Liability के अंदर क्या दिया हुआ है, share capital 1,50,000, security premium account 80,000, general reserve 60,000, capital reserve दिया हुआ है 20,000, 6% government loan दिया हुआ है, सही है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50,000, bank loan दिया हुआ है long term 35,000, बैंक ओवर ड्राफ्ट दिया हुआ है 1,10,000, सर्जरी क्रेडिटर्स दिया हुआ है 60,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है कितना 20,000, उसके बाद दिया हुआ है एसेट साइड के अंदर गुडविल 20,000, मशीनरी दिया हुआ है 1,00,000, प्रीमाइसेस दिया हुआ है 2,40,000,
फर्नीचर दिया हुआ है 10,000, गवर्नमेंट बॉन्ड्स 8,000, डेटर्स 70,000, स्टॉक 80,000, कैश एट बैंक 40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 12,000 एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5,85,000। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमने जो फॉर्मेट देखा था उसके अंदर से हमें क्या करना है, आपको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्मेट के हिसाब से हम इसको हम उसके एंट्री करेंगे। ओके सो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार फॉर्मेट दिखाऊंगा। देखिए ये जो हमारा फॉर्मेट है उसके अंदर जो जो आइटम्स है हम उसी तरह उसके अंदर उसको पिक करेंगे और उसको सिर्फ एंट्री करने वाले हैं, मतलब क्या आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सोर्सेस ऑफ फंड, उसके अंदर आता है ओनर्स फंड। तो शेयर कैपिटल के अंदर देखेंगे इसके अंदर से हमें कौन से जो आइटम्स है वो आने वाले हैं। ओके सो लेट्स सी, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, मतलब ये तो आएगा ही फर्स्ट। सो ओनर्स फंड के अंदर आएगा फर्स्ट शेयर कैपिटल, मतलब 1,50,000। मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप। सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर आएगा आपका प्रोप्राइटर्स फंड्स और ओन फंड्स, और क्या आएगा आपका एक शेयर कैपिटल। अभी यहाँ पे एक ही दिया हुआ है इसलिए हमने क्या किया उसको डायरेक्ट मिडिल कॉलम में लिया 1,50,000। और कौन सा आइटम दिया हुआ है क्या उसके अंदर आने वाला, तो नहीं है, सही है। उसके बाद में है हमारा फॉर्मेट आता है एड रिजर्व एंड सरप्लस, सही है। सो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कौन सा आइटम दिया हुआ है यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, सही है। उसके बाद दिया हुआ है आपको जनरल रिजर्व अकाउंट, उसके बाद दिया हुआ है आपको कैपिटल रिजर्व, मतलब जितने टाइप के जो रिजर्व है और जो सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे मैंने बताया कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, तो इन तीनों क्या आएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। सो सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000, जनरल रिजर्व 60,000 एंड कैपिटल रिजर्व 20,000। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ऐड किया है मैंने इसके अंदर 80,000, 60,000 और 20,000, इन तीनों की टोटल रहेगी कितना 1,60,000। मैंने इसको क्या किया आउटर में लिया या मिडिल कॉलम में लिया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है मुझे, हम उसके अंदर से क्या लेस करते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लेस करते हैं, जो मैंने फॉर्मेट में आपको जैसे बताया है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे, देखिए फॉर्मेट के हिसाब से ही जा रहे हैं। उसके बाद क्या आता है, लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, सही है। सो उसके अंदर से जो भी रहेगा, जो भी लॉसेज रहेगा जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, सही है, उसके बाद में इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू शेयर, हम क्या करते हैं लेस करते हैं। सो उसमें से हमें कौन सा दिया हुआ है हम देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर, देखिए हमको क्या दिया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सही है। सो क्या होगा सी, वो उतना ही उसके अंदर से लेस होगा, जो रिजर्व की अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट की उसके अंदर से क्या करेंगे हम उसको लेस करेंगे, मतलब क्या लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है, इन दोनों की टोटल होती है 3,10,000 माइनस जो अभी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना है 5,000। आप चाहे तो यहाँ पे भी टोटल कर सकते हैं सिर्फ रिजर्व की, और बाद में आप आउटर में उसको मिडिल कॉलम में डाल के दोनों के टोटल करके आप आउटर में डाल सकते हैं, ठीक है। सो 3,10,000 माइनस कितना आएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 5,000। सो दोनों की टोटल कितनी मिली हम लोग को 3,05,000। ये हम लोग को क्या हो गया, हमने जो डायरेक्टली कैलकुलेट की, जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम के अंदर बताया था, अगर हम दोनों की को कैलकुलेट करते हैं सही, तो नेटवर्थ हमको क्या करेगा दोनों का मिलेगा, मतलब ओन फंड के अंदर क्या आएगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ओके उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को, हम क्या आता है लोन फंड। सो लोन फंड के अंदर क्या कौन सा दिया हुआ है देखेंगे हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे लोन फंड के अंदर 6% ऑन गवर्नमेंट लोन और बैंक लोन, ये दोनों सिर्फ क्या है हम लोग के लोन फंड है, जो नीचे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है ये हम लोग के क्या है करंट लायबिलिटीज है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6% गवर्नमेंट बैंक लोन और बैंक लोन, ये हम क्या करेंगे लोन फंड के अंदर लेंगे। ओके सो ये भी क्या करते हैं हम तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों हम ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सो ये भी क्या होगा इसके अंदर अभी ऐड होगा, वन क्या ऐड हुआ शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद में लोन फंड, ये तीनों का हम एडिशन करते हैं। तो 6% गवर्नमेंट लोन और बैंक लोन, इन दोनों की टोटल क्या करेंगे हम यहाँ पे अभी ऐड करेंगे, सही है। मतलब क्या इन दोनों की टोटल कितनी आई थी 3,05,000। देखिए मैंने सिर्फ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लेस किया जो फॉर्मेट में बताया गया है उसी तरह, उसके बाद दोनों की टोटल मैंने ऐड की थी और उसी तरह हम क्या करेंगे 1+b+a+b+c। सो क्या होगा इसका 50,000, 35,000, ये दोनों की टोटल मैं आउटर में डालूंगा, मतलब 3,05,000 प्लस कितना दिया हुआ है हम लोग को 85,000, सही है। सो लेट्स सी हियर 3,05,000 प्लस कितना दिया हुआ है 85,000, सो वी विल गेट हियर 3,90,000। ये क्या मिला हम लोग को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड,
कितना आया हम लोग का 3,90,000, मतलब इन तीनों की जो आई है वो नीचे भी वैसे ही आनी चाहिए जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था जो हम कैलकुलेट करने वाले है। सही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, तीनों की टोटल कैलकुलेट की थी, तो जो मुझे यहाँ पे टोटल फंड एम्प्लॉयड मिला है या टोटल कैपिटल फंड एम्प्लॉयड मिला है, उसी तरह मुझे एसेट की भी कैलकुलेट करके उतना ही मिलना चाहिए, तो मेरा प्रॉब्लम क्या होगा, टैली होगा। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर क्या आता है, फिक्स एसेट। अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को कौन से फिक्स एसेट दिए हुए है। सो देखिए कौन से फिक्स एसेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को फिक्स एसेट के अंदर, गुडविल है, मशीनरी है, सही है, प्रीमाइसेस है, फर्नीचर है, सही है, हम लोग को क्या है, ये चारों फिक्स एसेट है। और एक जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया हुआ है ये हम लोग की क्या है, इन्वेस्टमेंट है, हम उसको अलग से कैलकुलेट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मेट के हिसाब से। सो गुडविल की अमाउंट कितनी है, 20,000, मशीनरी दिए हुए हम लोग को कितना, 1,00,000, सो 20,000 गुडविल हो गया। उसके बाद मशीनरी कितना हो गया, 1,00,000, सही है। उसके बाद प्रीमाइसेस हो गया 2,40,000, नेक्स्ट वन फर्नीचर 10,000, सो वी विल गेट ऑफ टोटल एसेट 3,70,000। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल किया हुआ मैंने, तो कितना आया टोटल फिक्स एसेट 3,70,000। उसके बाद में क्या आता है, अलग से इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या दिया हुआ है, बॉन्ड्स, सो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आउटर में लेंगे। सो आउटर में कितना आता है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स 8,000, जो सिर्फ एक ही दिया हुआ है, सही है। उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो मैंने फॉर्मेट के हिसाब से मैंने आपको बताया था। सो वर्किंग कैपिटल, सो वर्किंग कैपिटल हम लोग को कौन सा दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे हम लोग, उसके अंदर आता है करंट एसेट, कौन से करंट एसेट रहते हैं सबको पता है, अभी तो आपको 12 में एकदम 12 में भी हुआ रहेगा, और जो नए बच्चे रहेंगे उनको मैंने FY के अंदर भी बताया था कि कौन से करंट एसेट है, डेटर्स, स्टॉक, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सही है, हम लोग की क्या हो गए, करंट एसेट हो गए। सो हम उसकी टोटल करेंगे, करंट एसेट की कितना है, 70,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000, सो वी विल गेट टोटल हियर 2,02,000, सही है। सो कितना मिला हम लोग को टोटल, 2,02,000, ये हम लोग को क्या हो गया, करंट एसेट का फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सो 2,02,000 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम उसके अंदर से लेस क्या करेंगे हम लोग की करंट लायबिलिटी, कौन से है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है, 1,10,000, सही है, माइनस क्या दिया हुआ है, 60,000, माइनस क्या दिया हुआ है, 20,000, सो वी विल गेट टोटल हियर ओनली इन वर्किंग कैपिटल 12,000। लेट्स सी इन योर प्रॉब्लम, सी आया 12,000, सो मैंने कितना कैलकुलेट किया था यहाँ पे, 12,000, बहुत ही इजी है, क्या किया, करंट एसेट की टोटल की, उसमें से करंट लायबिलिटीज जो है वो मैंने लेस किए और आउटर में यहाँ पे डाले, तो यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया था, ए प्लस बी प्लस सी। सो क्या रहेगा, फर्स्ट यहाँ का ये फिक्स एसेट की टोटल, इन्वेस्टमेंट ये अलग पार्ट है उसकी टोटल, एंड द लास्ट वन इज अवर करंट, सॉरी वर्किंग कैपिटल जो हमने किया है उसकी टोटल। सो कितना आएगा देखिए, अगर ऊपर से टोटल किसकी टोटल मैच होती है तो हम लोग को प्रॉब्लम क्या होगा, टैली होगा, सही है। 3,70,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000, सो 3,90,000, जैसे ऊपर आया था उसका आंसर भी 3,90,000, मतलब क्या हुआ हम लोग का ये जो प्रॉब्लम है वो क्या हुआ, यहाँ पे टैली हुआ, वो प्रॉब्लम हम लोग का ये करेक्ट है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा आप 2-3 बार इसको देखिए इस वीडियो को, और अगर नहीं और भी कोई प्रॉब्लम होता है तो जो 2-3 और प्रॉब्लम हो गए, ठीक है, वो आपको इजीली आप क्या कर पाओगे उसके अंदर इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको और एक आज एक प्रॉब्लम देने वाला भेजने वाला हूँ आपके ग्रुप के ऊपर जो मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एक और एक प्रॉब्लम रहेगा और इसके बाद मैं नेक्स्ट डे और एक प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन रहेगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम एंड होने के बाद, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था यहाँ पे कि हम मैं आपको और एक प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो उसका जो लिंक है, सही है, वो मैं आपको फिर से ग्रुप पे सेंड करूंगा, वो आप सिर्फ स्टडी के लिए यूज कीजिए, क्योंकि वो हम प्रॉब्लम फिर से भी लेने वाले हैं एक बार, ठीक है, वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो इसलिए हम लेंगे, ठीक है। और उसी के साथ जो मैं एक सेकेंड प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा। ओके, जो स्टूडेंट को समझ में आए हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं,
तो वो ट्राई कर सकते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैं आपको सिर्फ इसके अंदर के बेसिक चीजें बताने वाला हूँ। क्या दिया है, देखिए, बैलेंस शीट ऑफ हरिता लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014, लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है शेयर कैपिटल 6,50,000, कैपिटल रिजर्व 2,500, जनरल रिजर्व 1,20,410, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 42,500। उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 33,777, 5% डिबेंचर 1,57,500, सन्ड्री क्रेडिटर्स 83,900। उसके बाद दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड 65,000, शॉर्ट टर्म लोन 25,000। ओके, और उसके बाद एसेट साइड में देखिए क्या दिया हुआ है हम लोग को, पेटेंट राइट्स 30,000, लैंड 1,44,000, बिल्डिंग 2,40,000, प्लांट 1,34,395। उसके बाद दिया हुआ है कंप्यूटर्स 13,575, 3% जीपी नोट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 71,400, इन्वेंट्री मींस स्टॉक 1,96,770, डिबेंचर 2,03,942, बैंक बैलेंस 1,21,280, एडवांस टैक्स 23,675 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,550। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, लेकिन आपको अगर अगर आ रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, जैसे कि ओनर्स फंड के अंदर फर्स्ट अपॉन हमने क्या लिया था, शेयर कैपिटल। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे शेयर कैपिटल। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी ये क्या आएगा, एक ही आइटम आएगा, दूसरा कोई प्रेफरेंशियल वगैरह दिया हुआ नहीं है। सो उसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं, रिजर्व ऐड करते हैं। सो कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये जो तीन रिजर्व दिए हुए हम लोग को, ये एक आएगा। और उसके बाद और एक दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है। सो ये भी आएगा। सो ये क्या होगा, ये चारों की टोटल करेंगे हम लोग, सही है। उसके बाद कौन सा आता है, फंड लोन फंड, फर्स्ट हुआ शेयर कैपिटल, उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस, और थर्ड लोन फंड। सो लोन फंड के अंदर क्या दिया हुआ है हम लोग को, एक ही आइटम दिया हुआ है, वो है 5% डिबेंचर्स। लेकिन ये लोन फंड लेने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो इन जनरल रिजर्व में से क्या करने होंगे, हमें लेस करने होंगे। ओके, सो उसके बाद हम लेंगे लोन फंड, और ए प्लस बी प्लस सी का जो तीनों के टोटल है, सही है, वो हम नीचे लेंगे। अंडरस्टैंड, तो आपको ये प्रॉब्लम इजीली समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कितना आंसर आना चाहिए। देखिए शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 6,50,000। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कैपिटल रिजर्व 2,500 प्लस 120,410। उसके बाद दिया हुआ है 42,500। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है, प्लस 33,777। ये क्या दिया हुआ है हम लोग का टोटल रिजर्व, मतलब क्या हो गया हमारा नेटवर्क अभी 8,49,187। ये हो गया हम लोग का ओनर्स फंड, मतलब शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व की टोटल। उसमें से हम क्या लेस करने वाले हैं, जो हमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1,550। सो लेस 1,550 का क्या करेंगे हम, उसको लेस करेंगे। सो वी विल गेट आंसर नेटवर्थ 8,47,637। ओके, सो उसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं, ए प्लस बी अभी ऐड हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा था हम लोग का, लोन फंड कितना बचा था, 1,57,500। देखिए बहुत ही इजी कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 1,57,500। सो कितना आया टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, सही है। सो डायरेक्टली जो रहेगा आपका 10,05,137, ये आपको क्या रहेगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जितना भी यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है उसी तरह आपको टोटल एप्लीकेशन करके आपको क्या करना होगा, उसको कैलकुलेट करना होगा। ओके, जो टोटल एप्लीकेशन है उसके अंदर फिक्स एसेट वगैरह है उसको करके आपको क्या करेंगे, आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो आप इजीली क्या कर पाओगे, अभी अंडरस्टैंड कर पाओगे आपको आगे क्या करना है। जैसे अभी यहाँ पे हो गया, सो फिक्स एसेट आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर। सो फिक्स एसेट के अंदर क्या है, कंप्यूटर्स है, सही है, आपको डायरेक्टली दिया हुआ है पे फिक्स एसेट लेंगे हम लोग। फिक्स एसेट दिया हुआ है आपको पेटेंट राइट्स, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट, ये आपके फिक्स एसेट हो गए। और उसके बाद जो आपको दिया हुआ है, सही है, वो करंट एसेट, मतलब क्या रहेगा, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सो करंट एसेट के अंदर आप क्या लेने वाले हैं, डायरेक्टली आप देख सकते हैं
इन्वेंट्री, डेटर्स, बैंक बैलेंस, एडवांस टैक्स, ये आपका क्या रहेगा? करंट एसेट, सही है। और कंप्यूटर्स क्या रहेगा? आपका फिक्स एसेट 3%, जीपी इन्वेस्टमेंट, ये आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट है, वो अलग से लेंगे, जैसे कि हम लोग ने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर लिए थे। ठीक है, मैं आपको ये जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूँ, सही है, एक्सेल शीट के ऊपर, या डायरेक्टली हम वर्ड फाइल मिलेंगे इसको, इसको आपको एंट्री करके मैं दिखाऊंगा वन बाय वन, तो आपको क्या होगा, इजीली आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, सो इसी तरह हम इसकी क्या करेंगे, आगे जाके हम टोटल करेंगे और हमें उसके अंदर से क्या कैलकुलेट करना है। देखिए, रीअरेंज द अबव बैलेंस शीट फ्रॉम सुटेबल एनालिसिस एज फॉर द गिवन। सो करेंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, फिक्स एसेट, वर्किंग कैपिटल, सही है, उसी के साथ सिक्योर्ड लोन कौन से है, क्विक एसेट कौन से है, सही है, प्रोपर्टीज फंड कौन से है, सही है, फिक्स्टिशियस एसेट कौन से है, टोटल फंड एम्प्लॉयड कौन से है, और ओन फंड कौन से है, ये हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम जो हुआ है वो आप थोड़ा उसको स्टडी कीजिए, फॉर्मेट जो मैंने दिया हुआ है उसको एक दो बार पढ़िए, उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करके लीजिए, तो आपको क्या होगा, फिर समझने में क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, और भी कोई उसके अंदर आपको कंफ्यूजन आ रहा है या कौन सा समझ में आई कौन सी एंट्री कहाँ लेनी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।